आरटी योजना का नया आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाना है। ये इसका यूआरएल है और इसी वीडियो के नीचे ये लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आके आपको दिशा निर्देश पढ़ के अच्छे से समझ लेना है कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। ये दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आप ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिल जाएगा। तो नया आरटी योजना का फॉर्म भरने के लिए आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आरटी योजना का फॉर्म भरने के लिए इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है नया आवेदन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आवश्यक सूचनाएं दी गई है जिसे पढ़ के अच्छे से समझ लेंगे। समझने के बाद यहाँ पे निःशुल्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सामान्य जानकारी, स्कूल चयन, आवेदित स्कूल देखेंगे और उसके बाद लॉक करेंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले कास्ट कैटेगरी लेनी है जो कि बिल्कुल सही लेनी है। सामान्य ओबीसी एसटी एससी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे ले लेनी है। फिर जन्म दिनांक, जन्म प्रमाण पत्र या फिर यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जन्म दिनांक यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। जन्म दिनांक दर्ज करने के बाद परिवार की वार्षिक आय कितनी है जो कि बिल्कुल सही आय प्रमाण पत्र के ऊपर अंकित हैं। तो पहले आय प्रमाण पत्र बनाना है, उसका फॉर्मेट इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अनार्थ हैं तो हाँ लेना है और उसका कैटेगरी प्रमाण पत्र डालना है, अगर नहीं है तो नहीं लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे बीमारी ये जो दी हुई है इससे ग्रसित है तो हाँ लेना है वरना फिर नहीं लेना है। युद्ध विधवा है कोई, उसके बेटों का या फिर बच्चियों का फॉर्म भरे हैं तो हाँ लेना है वरना फिर नहीं लेना है। यहाँ पे लिंग पुरुष स्त्री या फिर विपरीत लिंग तीनों में से जो भी हैं वो ले लेना है। विकलांग है तो हाँ लेना है वरना फिर नहीं लेना है। विकलांग है तो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। बीपीएल है तो हाँ लेना है वरना फिर नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, जो डिटेल भरी है उसके अकॉर्डिंग जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो एलिजिबल होगा तो ग्रीन कलर में मैसेज आएगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो इस प्रकार में रेड कलर में मैसेज आ जाएगा कि उम्र के अकॉर्डिंग आपका जो आप आवेदन कर रहे हैं वो आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बताने लग जाएगा जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर एलिजिबल होगा तो इस प्रकार से ग्रीन कलर में मैसेज आएगा और आगे फॉर्म खुल जाएगा तो उसका ही आप फॉर्म आगे भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, फिर स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, रसीद संख्या है तो वो यहाँ पे लेके उस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद धर्म का सिलेक्शन करना है, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम जस्ट नीचे यहाँ पे लिखना है और पिताजी के आधार कार्ड यहाँ पे लिखना है। माता का नाम यहाँ पे और माता का आधार कार्ड यहाँ पे लिखना है। अगर कोई संरक्षक है तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है और उसके आधार कार्ड यहाँ पे लिखना है वरना फिर ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या लिखनी है, उसके बाद जन आधार कार्ड व्यक्तिगत पहचान संख्या है तो लिख लेनी है वरना फिर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता पिता के मोबाइल फोन नंबर जस्ट यहाँ पे लिखने हैं और माता पिता की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और एड्रेस फिलअप करना है। तो सबसे पहले जिला लेना है, यहाँ पे जिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ले लेंगे यानी कि तहसील ले लेंगे। ब्लॉक लेने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका यानी कि यूएलबी का चयन करेंगे। तो ग्राम पंचायत लेंगे तो आगे विलेज लेना होगा और यूएलबी लेंगे तो वार्ड आगे ऑप्शन खुल जाएगा जो कि देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूएलबी ले ली है तो आगे वार्ड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप ग्राम पंचायत लेंगे तो ग्राम का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ग्राम या फिर वार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर पिन कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद जो डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न कर रहे हैं एज ए एड्रेस प्रूफ, उसके अंदर जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद जस्ट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे स्टूडेंट का अपलोड कर लेना है। 20 KB साइज है जो कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। सूच फाइल पे क्लिक करके पासपोर्ट साइज फोटो का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आरटी योजना की योग्यता के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर 300 KB साइज से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ के अंदर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप साथ में संलग्न कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल के अंदर स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ के अंदर, तो वो आप जस्ट यहाँ पे निवास से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे सूच फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ फाइल के अंदर। उसके बाद बच्चे के आयु से संबंधित प्रमाण पत्र जिसके अंदर आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल यानी कि नर्स वगैरह का जो कि आंगनवाड़ी का वगैरह जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वही आप संलग्न करें और उसको सूच फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके अकॉर्डिंग आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मांगा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके दुर्बल वर्ग से हैं या फिर असुविधाग्रस्त समूह से हैं उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट
अलग ना कर लेंगे। जैसे कोई जनरल है तो यहाँ पे आई डालेगा, इसी प्रकार से एसटीएससी या फिर कोई बीपीएल वगैरह है तो उससे अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, संबंधित कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेंगे। एक से अधिक कैटेगरी है तो वो दोनों डॉक्यूमेंट साथ में स्कैन करके आप अपलोड कर लेंगे पीडीएफ फाइल के अंदर। साइज 300 KB से कम रखनी है। वह डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो कैप्सा कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित हो रहा है, तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल प्लस 300 केबी के अंदर और संबंधित कैटेगरी बिल्कुल सही होनी चाहिए और सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। उसके बाद ये कैप्सा कोड यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। कैप्सा कोड यहाँ पे दर्ज करने के बाद आवेदन पत्र डाटा सेव करे का नीचे ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे और वह ओटीपी नंबर मोबाइल पे भेजे जाएंगे जो कि इस फॉरम में आपने डाले हैं। वह ओटीपी नंबर डाल के कंफर्म करें पे क्लिक करेंगे, आपके आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे जिसे नोट करके ओके पे जस्ट आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद वापस फॉरम के अंत में आएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉरम दिखाई देगा जिसकी जाँच करेंगे, फिर कैप्सा कोड डालना है, डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेना है, फोटो वगैरह बिल्कुल सही आया या फिर नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे डाटा सेव करें पे क्लिक करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली होने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके क्लोज करेंगे। उसके बाद आगे की डिटेल ओपन हो जाएगी। इस वाले भाग के अंदर स्कूल का चयन करना है जिस स्कूल के अंदर बच्चे का प्रवेश दिलवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक लेना है, उसके बाद यहाँ पे यूएलबी ग्राम लेना है, उसके बाद ग्राम या फिर वार्ड ले लेना है और उसके अंदर जो वार्ड या फिर जो ग्राम लिया है उसके अंदर जो भी स्कूल अवेलेबल हैं वो डिटेल आ जाएगी। तो जिस स्कूल के अंदर बच्चे को प्रवेश दिलवाना चाहते हैं उसके आगे ऐड का पॉइंट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर डिटेल के अंदर वार्ड या फिर जो ग्राम सेलेक्ट करते हैं उस ग्राम के एड्रेस के अंदर जो स्कूल अवेलेबल है वही स्कूल दिखाई देती हैं। अगर वहाँ जिस स्कूल के अंदर प्रवेश लेना है वो स्कूल अवेलेबल नहीं है तो दूसरे स्कूल का आप चयन कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर से जिस भी स्कूल के अंदर प्रवेश दिलवाना चाहते हैं आप, तो अंत में एक ऐड का ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित हो रहा होगा, तो यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे स्कूल ऐड सक्सेसफुली हो जाएगी। तो यहाँ पे अंत में ऑप्शन है, अभी देख सकते हैं, तो ऐड पे जस्ट क्लिक करना है, स्कूल ऐड हो जाएगी। अगर गलत ऐड हो जाती है तो ऐड होने के बाद इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा, इस प्रकार से क्लिक कर लेंगे। गलत ऐड होने पर डिलीट भी कर सकते हैं। तो कुल यहाँ पे आप 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं, अधिकतम 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मैंने एक स्कूल ले ली है इस वार्ड के अंदर से या फिर इस ग्राम के अंदर से। अब मैं यहाँ पे वार्ड चेंज कर लेता हूँ, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ ग्राम चेंज कर लेना है अपने पंचायत के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे दूसरी स्कूल का चयन कर लेता हूँ, तो ये दूसरी स्कूल का सिलेक्शन हो गया। अब मैं वापस चेंज कर लेता हूँ, अगर एक ही वार्ड के अंदर सभी स्कूल लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि अलग अलग वार्ड से लेनी है। आप डायरेक्टली आपका जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो आपके आसपास के स्कूल है वही आप ले सकते हैं। तो मैं अधिकतम 3 स्कूल यहाँ पे मैं लेना चाहता ले चुका हूँ, तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये तीसरी स्कूल ऐड हो चुकी है। अब ऊपर देख सकते हैं कुल 5 स्कूल ले सकते हैं और मैं 3 स्कूल ले चुका हूँ। तो आप कम से कम एक और अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं जहाँ पे आप प्रवेश दिलवाना चाहते हैं। सभी स्कूलों का चयन करने के बाद जो भी आप 5 स्कूल चयन करना चाहते थे उसके बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही जो स्कूल आपने सेलेक्ट की थी वो दिखाई देने लग जाएगी। तो जो सबसे ऊपर रखना चाहते हैं जिसके अंदर प्रवेश दिलवाने के लिए आप सबसे पहले एग्री हैं तो उसको सबसे ऊपर रखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करके इसको अप एंड डाउन एरो पे क्लिक करके ऊपर नीचे स्कूलों को कर सकते हैं। तो अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते स्कूल ऊपर नीचे हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल व्यवस्थित सेट हो गई हैं, आप जिस क्रम में रखना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही फॉरम का प्रीव्यू कंप्लीट डिटेल में दिखाई देने लग जाएगा। तो फॉरम की एक बार फिर से जांच कर लेंगे, जो डिटेल भरी है उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे फॉरम की एक बार व्यवस्थित रूप से पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल में जांच करनी है, वरना फिर बाद में समस्याएं आ सकती हैं। पूरा फॉरम सही होने की दशा में आप आगे बढ़ेंगे। अगर और स्कूल जोड़नी है तो यहाँ पे क्लिक करके जोड़ सकते हैं, फॉरम बिल्कुल सही है। और स्कूल नहीं जोड़नी तो लॉक पे क्लिक करना है, फिर फाइनल लॉक पे क्लिक करते ही आपका फॉरम लॉक हो जाएगा। फिर लॉटरी से पूर्व आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इसे ओपन करके इसकी प्रिंटआउट निकाल लेंगे। इसकी प्रिंटआउट निकालने के बाद जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको इसके पीछे लगा के अपने पास रख लेंगे। ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन का। आवेदन सबमिट हो गया, प्रिंटआउट निकल दी, उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उस समय आप रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद स्कूल में रिपोर्टिंग कराएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।